हो अभियारी मारे दिन घड़ी दिन भाग हो दिन घड़ी दिन भाग मारे दिन घड़ी दिन भाग मारे हो दिन घड़ी दिन भाग दयालु हो अभिया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दयालु करे हो अभिया जी मारे हो दिन घड़ी दिन भाग हेलो देखो अभी कथा के बाद में कोई बीच में नहीं बोलेगा, उससे पहले बाबजी का आदेश लेते हुए मैं हमारे बीच देवस्थान विभाग के राजस्व मंत्री श्रीमान ओटाराम जी भोपा जी के सुपुत्र विक्रम जी देवासी मुंडारा हमारे बीच आए हुए हैं, उनका भी मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सिरोही की धन्य धरा से सिरोही के जिला अध्यक्ष बीजेपी से हमारे पास सुरेश जी आए हुए हैं, उनका भी मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको लेकर बिल्कुल पांडाल में यहाँ पर मंच के सामने लाकर विराजे और मैं इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करने के लिए बाबजी को आदेश देता हूँ। हेलो, मैं भी आशीर्वाद लेते हुए इस मंच की शुरुआत करता हूँ। हेलो, हाँ जी रतन जी, दो मिनट रतन जी। बाबजी कोई कहने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो आपका शिष्य समझकर माफ कर देना। जिस प्रकार से कल गो माता को गोद लेने की शुरुआत की गई थी उसमें आज शाम को नानी बाई का मायरा शुरू होने से पहले ही कुछ महानुभव दानवीरों ने अपनी झोली और अपने हमने तो झोली फैलाई है, बाकी तिजोरी का आज ताला खोल दिया है। 11,000 रुपये लक्ष्मीबाई मनाराम जी जणवा चौधरी डुटारिया ने सुबह घोषणा की थी कि एक गाय मैं गोद लूं। इसी प्रकार से 11,000 रुपये हक्का राम जी मूला राम जी जणवा चौधरी मोरखा इन दो जनों ने मिल के लिए है, उनके साथ और सहयोगी हैं लकाराम जी केसाराम जी जणवा चौधरी मोरखा, इन दोनों सदस्यों ने मिलकर एक गौ माता को गोद ली है। 11,000 रुपये इस कार्यक्रम में सहयोग बेटे भेंट किए, धन्यवाद धन्यवाद। ₹500 लुबाराम जी केसा जी दांतीवाड़ा, 11,000 रुपये एक गौ माता को और गोद लिया गया है, 11,000 रुपये वाला राम जी जीवाराम जी जणवा चौधरी दांतीवाड़ा, आपने भी एक गौ माता को गोद लेकर धन्यवाद। इसी प्रकार से रतन जी लो, हरिओम।
हेलो, जो वॉलंटियर है, गले में दुपट्टा है, जिनकी जहाँ ड्यूटी है वो वहीं खड़ा रहेगा, ड्यूटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात को समझ गए? जो वॉलंटियर है, गले में दुपट्टा है, आखिरी दम तक वहीं खड़े रहेंगे, इधर उधर कोई नहीं फिरेगा। एक बार मैं बाबजी आपका आदेश लेता हूँ, हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री ओटाराम जी भोपा जी मुंडारा माता जी के परम उपासक हैं और फिलहाल देवस्थान विभाग के राजस्व मंत्री भी हैं, उनको सुपुत्र श्री विक्रम जी देवासी को मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप एक बार ऊपर पधारे और आपका इस मंडल की ओर से, हिंगलाज माता जी गौ सेवा समिति की ओर से, पूरे जनवा चौधरी समाज की ओर से, छत्तीस कुंभ के लोगों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। देव जी स्वागत के लिए। और उनके साथ में ही हमारे बीच सिरोही नगर की धन्यधरा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी भाई साहब भी पधारे हुए हैं, आपका भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत देव जी, जल्दी कर दो। बाबजी की, विक्रम जी बाबजी की इच्छा थी पूरी कि कल मुंडारा की तरफ भी आए थे, लेकिन और वो ही आशीर्वाद आपको मिला है आज इस मंच पर, वो माला लेके आ रहे हैं। ये दुपट्टे ले लो, दुपट्टे। दलपत जी और अमृत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा एक बार, ये लो माला, ये आ गई भाई साहब। बिल्कुल गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा के दौरान, और अब नानीबाई के मायरे की कथा होगी, और आप सभी लोगों का यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर आना, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए लीजिए, देख लीजिए मंच पर श्री विक्रम जी देवासी मुंडारा, जो कि ओटाराम जी भोपा जी के सुपुत्र है, उनका स्वागत किया जा रहा है मंच की ओर से, और जय हो। श्री सुरेश जी भाई साहब सिरोही की धन्यधरा से हमारे बीच है और सिरोही के बीजेपी जिला अध्यक्ष भी हैं, आपका भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ठीक है, बोल हिंगलाज मात की जय हो। सादड़ी से बाबजी चेतन जी शर्मा और देवेंद्र जी गांछी, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं, आपका भी मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
हरि 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 वर्णाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपी मंगलाम चिकरितारो वंदे वाणी विना छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कुंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिरी अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चात की घनश्याम धन हित मोरही बोलिए आनंद कंद भगवान की सांवरिया सेठ की भक्त वत्सल भगवान की भक्त नरसी मेहता की प्रभु आज नानी बाई रो माई रो कथा का तृतीय दिवस तीसरा दिन है। आप लोग पिछले 6 दिवस से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़ी आनंदित कथा हो रही है। समय काल और परिस्थिति को देखते हुए रात्रि के समय में हम लोगों ने एक विचित्र निर्णय लिया कि नानी बाई रो माई रो कथा का आयोजन रखा जाए, वो भी सुनसान वनस्थली में। लेकिन आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों का भाव, आप लोगों की भक्ति यह प्रमाणित करती है कि हमारा निर्णय सही था। महाराज जी ने कहा था कि नानी बाई का मायरा तो होना ही चाहिए, भागवत कथा तो ज्ञान का विषय है लेकिन हमारे गांव की बोली वाली जनता भक्ति में ही ज़्यादा है, इसलिए नानी बाई रो माई रो कथा का आयोजन रखें। और ये कथा का सफल आयोजन आज तृतीय दिवस के रूप में हमारे बीच में है। महाराज यहाँ पर विराजमान मेरे जितने भी हंस जन हैं, भक्त जन हैं, आप सभी को मेरी तरफ से आज फिर से नानी बाई रो माई रो के तीसरे दिन सहर्ष मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मंचस्थ विराजमान समस्त प्रबुद्ध जनों को
मेरी तरफ से हार्दिक वंदन है हमारे बीच में। आज मुझे बड़े पसंद आते हैं ऐसे फकीरी को धारण किए हुए हमारे आत्मज और बड़े प्रिय संत स्वरूप में भले ही